फाइनली नेट दोबारा चलने लग गया है, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है। और हम बात कर रहे थे कि आज की जो वीडियो मैं बनाई है उसके टॉपिक दो हैं। एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप किसी को गलत कोई बात कहने से पहले 100 दफ़ा सोचें, 100 दफ़ा सोचें, और मेरे से पहले कि अगर आप मुझे कोई काम बता रहे हैं और आप अपने काम के हद तक मुझसे बात कर रहे हैं तो वो मुझे मेरे से ठीक है। अदरवाइज मेरे साथ कोई गलत बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचना, क्योंकि आजकल आपको पता है मीडिया जो है वो आपको क्या नाम है, नाम आ गया आपका कि आपके आप किसी को गलत बात कह रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, बहुत बड़ी। तो मैं भी काफ़ी सब लड़कियों को भी यही कहूँगी कि अगर आपको कोई प्रोड्यूसर कोई गलत बात कोई गलत डिमांड करता है तो आप उसको वार्न करो, अगर वो नहीं बाज आता तो आप उसका मीडिया में शो डालें, क्योंकि मैं ऐसे ही करूँगी, एडवांस में बता रही हूँ, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और करवाती हूँ। और अगर मेरे से आप लोगों ने रिस्पेक्ट के अलावा कोई गलत बात की तो वो मैं ऐसे ही लाइव आके मीडिया प्रेस बुला के तो आपके नाम का, या आप जॉब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं किसी भी चैनल में, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट, अपनी जॉब को दाव पे लगाएंगे आप सब ना। तो ये काम मत कीजिएगा, ये आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी इंसल्ट है आपकी। तो यही बात आ गई है, इज्जत करें, इज्जत करवाएं, और असूल भी यही है हर फील्ड का, क्या बिजनेस है, हर काम का असूल यही होता है, ठीक है। इज्जत करवाओ, इज्जत लो। हाँ, और मैंने अपनी, मेरे ख्याल से मुझे 7 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, 7 ईयर्स। तो मैंने अपने 7 सालों में आज तक शॉर्टकट कभी नहीं अपनाने की कोशिश की, हमेशा मेहनत में यकीन रखा है और रखती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मेरा काम भी नज़र आएगा। जो सब्र से काम करते हैं उनको उनका सिला ज़रूर मिलता है। तो ये शॉर्टकट में ना पड़े कोई भी है, मॉडल्स की बात कर रही हूँ, एक्टर्स की बात कर रही हूँ, शॉर्टकट में ना पड़े, मेहनत से करें। जहाँ पे देखें आपकी इज्जत है आप वो काम करें, जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है आप वो काम ना करें, क्योंकि इज्जत से बढ़कर मेरे ख्याल से मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। और फिर मैं अपनी बात रिपीट करूँगी कि कोई भी प्रोड्यूसर है अगर वो मुझे ड्रामे की या फिल्म की ऑफ़र करा रहा है तो वो सोच समझ के ऑफ़र कराए और बिना किसी गलत बात के। अगर कोई गलत बात मेरे से की उसने तो फिर मैं ये नहीं देखूँगी कि वो कौन है कौन नहीं है। तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह हमारी प्रेस हमारा साथ देती है, हर चैनल हमारा साथ देता है। तो मैंने अपनी बात बता, तो बी तो बस आज का टॉपिक मेरा यही था, और आप भी इसे कमेंट करें और बताएं कि वाकई में इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ होती है ज़िंदगी में। आई थिंक सो कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे इज्जत नहीं है वहाँ वो कुछ भी नहीं है। और मैंने इंशाल्लाह मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है, आगे भी मेहनत से ही करूँगी, ना शॉर्टकट मारती हूँ ना किसी को भी मशवरा दूंगी कि आप कोई गलत काम करके अपना नाम बनाए। अच्छा, ऑन कैमरा, यू आर राइट, थैंक यू, राइट। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं, ठीक है?
ख्याल से मैंने आज तक किसी भी मॉडल को या एक्टर को नहीं देखा कि किसी ने बनाई हो, लेकिन मैंने बनाई है. और जो सच है, लोग आते हैं कैमरे में सो झूठ बोलते हैं और फ्लान टमका, नहीं मैंने नहीं झूठ बोला, जो बात सच है वो बात कर रही हूँ. और लेट्स सी कि किसकी बैंड बजती है. आज की वीडियो मैंने बना दी है, सो अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द आप सबसे बात होगी. और बस ये एक जो बात मैंने आप सबसे शेयर करनी थी वो मैंने आप सबसे की है. और नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत सारे मेरे वीडियो सॉन्ग और ड्रामा कर रही हूँ आ रहा है, तो आप ज़रूर आप सब मुझे मेरा साथ दें, ऐसे ही जैसे लाइक करते हैं पसंद करते हैं करें. और मूवी में एक काम कर रही हूँ मैं, वो भी बहुत जल्द उसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है. और नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेहनत से ही फल मिलता है, मेहनत करें और ज़रूर सिला आप सबको जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छी नीयत से. तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर बात होगी आप सबसे.